Greetings of the day, my dear students. I am Prashant Kumar, taking you the last chapter of your class 12 accountancy book volume 1st. And the name of chapter is Dissolution of Partnership Firm. आज मैं आपको क्लास 12 की अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक वॉल्यूम फर्स्ट का लास्ट चैप्टर बता रहा हूँ, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर गेटिंग लेटेस्ट वीडियोज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट योर करिकुलम यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ योर स्कूल ब्रह्मदत्त सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड बेल प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू कैन गॉट द वीडियोज विदाउट एनी डिले। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज यू आर शोन इन दिस स्लाइड कि देयर आर सम पर्संस हु आर फाइटिंग हु आर क्वारलिंग ईच अदर। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ पर्संस हैं जो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तो वी एज्यूम डेट दीज सिक्स पर्संस आर एज अ पार्टनर। अर्लियर दे डू देयर बिजनेस इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये जो आप 6 लोग इसमें देख रहे हैं, ये किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स थे, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, बट आफ्टर सम टाइम और आफ्टर हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट दे आर फाइटिंग टू ईच अदर, दे हैव मिसअंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट ईच अदर। आपस में उनके मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होने लग गया तो लड़ाई झगड़ा होने लग गया। इफ ऑल पार्टनर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर तो बिजनेस करने का कोई उसका लॉजिक ही नहीं है, तो वो अपनी फर्म को क्या कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे, दे शट डाउन देयर बिजनेस, वो अपने बिजनेस को बंद कर लेंगे। अब बिजनेस को बंद करने में क्या करते हैं कि सपोज करो एक फार्मर है, वो फार्मिंग करता है। अब उसे लगता है कि भैया फार्मिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, अब हमें इस बिजनेस को बंद करना होगा। तो वो फार्मर क्या करेगा, वो फार्मर जितनी भी उसकी लैंड मशीन ट्रैक्टर इक्विपमेंट्स जो भी चीज़ें फार्मिंग के इक्विपमेंट्स की उसको नीड थी, वो उसको सोल्ड आउट कर देगा। जो पैसा आएगा उस पैसे से वो जिसका पेमेंट करना है, बैंक का लोन लिया है, किसी मनी लेंडर का लोन लिया है, किसी से उधार सामान लिया है, उनका पेमेंट कर देगा। और जितना भी पैसा बचेगा, मान लो वो और उसका भाई दो लोग जॉइंटली फार्मिंग करते थे, तो जो भी पैसा बचेगा वो दोनों आपस में अपना सेटलमेंट कर लेंगे। सेम थिंग वी विल डन हेयर इन दिस चैप्टर। सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है कि अगर पार्टनर्स का आपस में डिस्प्यूट है, वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जितनी भी एसेट्स हैं फर्म की एसेट्स वो सोल्ड कर दी जाएंगी, रियलाइज कर दी जाएंगी, मनी में कन्वर्ट कर ली जाएंगी, और जिसका कमिटमेंट है, जिसको पैसा पे करना है, जो लायबिलिटीज़ हैं उसका पेमेंट कर दिया जाएगा, और जितना भी पैसा बचा वो पार्टनर्स का आपस में उनके रेशो के अकॉर्डिंग, उनकी डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप फर्म। नाउ साइंटिफिकली व्हाट इज डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन क्या है, व्हेन द रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड दिस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अ वेरी क्लियर डेफिनेशन, जब पार्टनर्स का आपस में रिलेशन एंड हो जाता है, जब जॉइंटली वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड दैट। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। द डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप
बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनर्स का और पार्टनर के फर्म का डिसॉल्व हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इट इम्प्लाइज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें जो भी पार्टनर है, जो भी उनका बिजनेस रिलेशन था, वो कंप्लीट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जितने भी पार्टनर्स हैं। इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। वन थिंग यू हैव टू कैप्ट इन योर माइंड, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस वो ब्रेक होता है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली भी बोलना बंद कर देंगे। तो यू हैव टू वन थिंग कैप्ट इन योर माइंड दैट द बिजनेस रिलेशन, द पार्टनर्स रिलेशन हैज कम्स टू एन एंड। वो उनके जो बिजनेस रिलेशन थे वो एंड हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। इस एक पिक्चर भी देखिए, इसमें है सम पर्सन्स आर इन लेफ्ट साइड एंड सम पर्सन आर इन राइट साइड एंड द मिडिल ऑफ दैट देर इज अ गल्फ, देर इज अ फॉल, देर इज अ फॉल ऑफ डिस्प्यूट। कुछ उनके डिस्प्यूट हैं जिसकी बीच की खाई बन गई है। अब जब खाई बन जाती है, जब पार्टनर्स के आपस में टर्म्स अच्छे नहीं रहते हैं, तो उस बिजनेस को कंटिन्यू करने की जगह डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस भी बंद और उनके बिजनेस रिलेशन भी बंद। नाउ मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कि डिसोल्यूशन करने के व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से हमारे पास टाइप्स हैं, कौन कौन से हमारे पास मेथड हैं, कौन कौन से हमारे पास पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन योर क्लास 12th करिकुलम देयर आर टू मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारे क्लास 12th के अकाउंटेंसी करिकुलम के हिसाब से जो डिसॉल्यूशन है उसको करने के हमारे पास टू मेथड्स हैं, दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट को लगता है कि भाई इट इज जस्टिफाइड टू डिसॉल्व द पार्टिकुलर बिजनेस फर्म, जब कोर्ट को ये लगता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना जस्टिफाइबल है, बेनिफिशियल है पार्टनर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। दूसरा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, जब इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है, जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में हैं आपस में दे ऑल आर एग्री टू ब्रेक डाउन द बिजनेस, जब जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपस में एग्री हो जाते हैं कि भाई अब हमें बिजनेस को बंद करना है, अब हम जॉइंटली इस पार्टनरशिप फर्म को और कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। अगेन आई एम टेलिंग, इफ कोर्ट इंटरफेयर इट फॉर डिसकंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म बिजनेस, ब्रेक डाउन द बिजनेस, क्लोज डाउन द बिजनेस, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इस बिजनेस को बंद करना चाहिए, तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहती है, तो बिजनेस बंद हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, कोई पार्टनर भी कोर्ट में एक अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि भाई इस पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहिए, तो कोर्ट ऑटोमेटिकली सेल्फ रिलायंस नहीं करेगी। अगर कोई जाएगा या पब्लिकली उसको लगेगा कि भाई अब इस बिजनेस को बंद करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई फर्म में हमारा पार्टनर है जो एलाइन एनिमी है, किसी कंट्री का सिटीजन है जिस कंट्री से हमारी अब वार वगैरह हो रही है, तो उस केस में भी कोर्ट कहेगा कि भाई यू हैव टू
dissolve your partnership firm. Now, in detail, first of all, I will to tell you that how the court can give instructions to discontinue the business to partners individually and partnership firm collectively. अब हम इसको डीपली देखेंगे कि किन किन केसेस में गवर्नमेंट पार्टनर्स को पर्सनली भी बोल सकती है और फर्म को भी कलेक्टिवली बोल सकती है कि आपको अपने बिजनेस को बंद करना है. तो देखिए इसमें ए पार्टनर में अप्लाई टू द कोर्ट, एक पार्टनर कोई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है फॉर गेटिंग द फर्म डिसॉल्व, कि इस फर्म को बंद कर दिया जाए. ऑन गेटिंग सच एप्लीकेशन बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर, किसी भी पार्टनर की एप्लीकेशन आने के बाद कोर्ट में प्रोसीड, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई जो भी ये चीज है ये सही है तो वो ऑर्डर दे सकती है फर्म को डिसॉल्व करने के. अब इसमें क्या क्या सरकमस्टांसेस है. फर्स्ट, इफ एनी ऑफ द पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड, कोई ल्यूनेटिक, किसी ऐसी बीमारी से हो गया जिसमें वो अपना डिसीजन अपने बेनिफिशियल के लिए नहीं ले सकता है, तो कोर्ट उस फर्म को डिसॉल्व कर सकती है. इफ अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग द सूट इज गिल्टी ऑफ इंटेंशनली एंड परसिस्टेंटली कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, अगर कोई पार्टनर जानबूझ के या अनजाने में अगर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रेक करता है. इफ अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग द सूट दैट ट्रांसफर होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अगर पार्टनर अपना पूरा इंटरेस्ट बिना दूसरे पार्टनर की सहमति के बिना किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है. इफ अ पार्टनर फाइलिंग अ सूट इज गिल्टी मिसकंडक्ट, if a partner filing the suit for disable, and last if the court is satisfied that the business of the firm carried on loss regularly. to ye kuch cases hain, 6 cases hain. in 6 cases mein court kisi bhi partnership firm ko instruction de sakta hai ki bhai you have to dissolve your firm and pay out your liabilities. Now, without intervention of the court, हमने देखा था कि dissolution करने के दो methods हैं. एक तो court के through और एक without interfere of court. तो इस slide में हम देखेंगे कि वो कौन से circumstances हैं जिसमें बिना court के interfere के पार्टनर्स अपने फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. इसमें देखिए 4 है. इफ ऑल द पार्टनर्स आर विलिंग टू डिसॉल्व द फर्म, कि अगर सारे पार्टनर एग्री हैं फर्म को बंद करने के लिए तो वो हो जाएगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विदाउट द इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कोर्ट. सेकेंड, ऑन द फॉलोइंग डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना कंपलसरी है. और ये सब चीजें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, विदाउट द इंटरफेयर ऑफ कोर्ट है. सेकेंड, इफ एनी पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स A partner is unable to pay their dues. अगर कोई पार्टनर अपने ड्यूज को पे करने में अनेबल है उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए. नेक्स्ट, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन, जो भी पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन है अगर वो ड्यूरेशन
हो जाती है तो उसके बाद भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना कंपलसरी है एंड विदाउट द इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी स्पेसिफिक वेंचर, वेंचर का मतलब बिजनेस, किसी स्पेसिफिक वेंचर के लिए फॉर्म करी गई थी और वो फॉर्म, वो पर्पस, वो सॉल्व हो गया, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर द पार्टनरशिप मे बी कंपल्सरी डिसॉल्व विदाउट द इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस स्लाइड में और इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि वो कौन से सरकमस्टांसिस है जिसमें कोर्ट के इंटरफेयर में डिसॉल्व हो सकती है और वो कौन से सरकमस्टांसिस है जिसमें विदाउट द इंटरफेयर ऑफ द कोर्ट फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। नाउ सरकमस्टांसिस ऑफ डिसॉल्यूशन, परिस्थितियां, कि वो परिस्थितियां कौन सी हैं डिसॉल्यूशन की। द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस अंडर फॉलोइंग सरकमस्टांसिस। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की ये फॉलोइंग कुछ सरकमस्टांसिस हैं। फर्स्ट, ये प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा है, व्हेन द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। जब पार्टनरशिप फर्म कोई कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, बनाई गई है किसी फिक्स पीरियड के लिए और वो फिक्स पीरियड पूरा हो गया, इसका मतलब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम। सेकंड वन, ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ पार्टिकुलर वेंचर इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ पर्पस, कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म स्पेशली किसी स्पेसिफिक वेंचर के लिए बनाई है और वो वेंचर का मोटिव, वो वेंचर का ऑब्जेक्टिव अगर वो फुलफिल हो गया है तब भी डिसॉल्यूशन करना पड़ेगा। ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, देखिए डेथ और रिटायरमेंट, प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, लेकिन अगर कोई डेथ है तो वहां डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अभी इंसॉल्वेंसी मैंने बताया दो होते हैं, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट क्या है इसको समझना जरूरी है। सॉल्वेंट का मतलब इफ अ पर्सन इज कैपेबल टू पे देयर थर्ड पार्टी कमिटमेंट, अगर कोई पर्सन अपने थर्ड पार्टी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कैपेबल है, पैसा है उसके पास जिससे वो अपनी थर्ड पार्टी लायबिलिटी को पे कर सकता है, तो डेट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बट ऑन द अदर हैंड इफ अ पार्टनर इज अनेबल टू पे ऑफ देयर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, अगर वो अपनी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को पे करने में अनेबल है, ही कांट पे देयर ड्यूज टू थर्ड पर्सन, इट मीन्स इंसॉल्वेंसी। तो डिसॉल्यूशन का लास्ट है ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इनकैपेबल हो जाता है अपने ड्यूज को पे करने। तो ये सरकमस्टांसिस है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले इस बुक में हमने एक चैप्टर देखा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपस में पार्टनर के रेशो चेंज हो जाते थे। उसी के बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर देखा था एडमिशन, उसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने देखा था रिटायरमेंट। चेंज इन प्रॉफिट, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, द ओल्ड पार्टनरशिप, लिसन केयरफुली, इन चेंज इन प्रॉफिट, इन एडमिशन एंड इन रिटायरमेंट ओनली पार्टनरशिप डिसॉल्व, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है,
सपोज करो ए बी सी पार्टनर है, रेशो 3:1। अब क्या हो गया, पार्टनर अब भी वही है लेकिन उनके रेशो चेंज हो गए, तो इस केस में सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। अगर ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट हो गया, तो यहां भी पुरानी पार्टनरशिप ए बी की डिसॉल्व हो जाएगी, नई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो जाएगी ए बी सी के नाम से, बिजनेस रिमेन कंटिन्यू इन रिटायरमेंट। देर आर थ्री पार्टनर्स एक्स वाई जेड, वन पार्टनर गॉट रिटायर्ड, जेड रिटायर्ड, नाउ द बिजनेस विल कंटिन्यू बाय द रिमेनिंग पार्टनर एक्स एंड वाई। इन दिस केस ऑल्सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब इन केस में पुरानी वाला एग्रीमेंट, पुराना वाला उनकी पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो जाती है, एक नई डीड बन जाती है, बट बिजनेस रिमेन कंटिन्यूड, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट व्हेन उनकी पार्टनरशिप भी एंड हो गई और वो बिजनेस भी एंड हो गया, बुक्स क्लोज्ड हो गई, जहां पे उनको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट कराना पड़ता है, तो वहां पे हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो गया और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी हो गया, यानी कि वो बिजनेस अब उस नेम से कंसिस्टेंटली आगे इन फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ इन नेक्स्ट दैट व्हाट वी हैव टू डन इन दिस, वी हैव टू डन फोर टाइप्स। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज बनानी है, इसमें रियलाइजेशन बनाना है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट कराना है, कैपिटल अकाउंट बनानी है, और यहाँ बैलेंस शीट की जगह हमें बनाना है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट जब बनती है जब बिजनेस कंटिन्यू रहता है, और यहाँ बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, एंड हो गया, तो यहाँ बैलेंस शीट की जगह बनानी होती है बैंक। फोर्थ थिंग वी हैव टू डन एंट्रीज, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश और बैंक अकाउंट। सो रेस्ट इन दिस वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल इक्वेशन। थैंक यू।